नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप बरजाति स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। साथियों, एसआई का रिजल्ट आया है। बहुत से साथी हैं जो सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनका परिणाम पॉजिटिव नहीं आया, वो निराश हो रहे हैं। कई साथियों से बात हुई, बहुत डिमोटिवेट हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताकर, एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने इतनी जीवन में हार देखी है, शायद हमने तो उसका 1% भी नहीं है। हम तो उसके एक व्यक्ति जिसका जन्म होता है 1809 में, बचपन में मां गुजर जाती है, फिर धीरे धीरे 31 वर्ष का होता है। 31 वर्ष का होने पर उसने एक चुनाव लड़ा, उसमें वो हार गया। 32 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव लड़ता है, फिर से हार जाता है। 33 वर्ष की उम्र में एक बिजनेस करता है, उसमें वो फ्लॉप हो जाता है। 36 वर्ष की आयु के आते आते उसके अंदर नर्वस सिस्टम उसका ब्रेक हो जाता है। अरे अपना तो नर्वस सिस्टम भी सही है, अपने तो नर्वस सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 43 वर्ष की उम्र में फिर से चुनाव लड़ता है, फिर से हार जाता है। 48 वर्ष की आयु में आते आते एक बार फिर वो चुनाव लड़ता है और फिर हार जाता है। 50 वर्ष की उम्र में फिर से उसने चुनाव लड़ा और इस बार वो फिर हार गया। 52 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव लड़ता है, फिर से हारता है। 55 वर्ष की आयु में फिर चुनाव लड़ता है, फिर हार जाता है। 56 वर्ष की आयु में सीनेट से फिर से चुनाव लड़ा, फिर हार गया। और 1861 में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनता है अब्राहम लिंकन। ये वही व्यक्ति है जिसने इतनी हार का सामना किया। ये वही व्यक्ति है जब अमेरिका में 1861 से 1864 के बीच गृह युद्ध चला था, इसी के वक्त। इतनी हार का सामना करने के बाद, इतनी विकट परिस्थितियों का सामना करने के बाद जब ये व्यक्ति नहीं रुका, तो हम कैसे रुक सकते हैं? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल नहीं निकाल पाए और आईएएस बने हुए। बहाने बहुत देंगे, अपने माँ बाप को भी दूसरों को भी बहुत बहाने देंगे। मैरिट ऊपर रह गई, मैरिट ऊपर नहीं रही, तेरे नंबर कम रह गए। ये परिस्थिति आ गई, मैं शहर जाकर नहीं पढ़ा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो घर में पढ़कर आज आईएएस, आईपीएस, आरएएस बने हुए हैं। आपको भी पता है, आप भी जानते हो कि हाँ हैं जो बने हुए हैं। जीवन में मतलबी मत बनो, जीवन में मतलबी कभी नहीं बनना है। संघर्ष के ऊपर अपना जीवन, हमेशा संघर्ष के ऊपर चलना चाहिए, मतलबी नहीं बनना चाहिए। और मैं कैसे घर पे बताऊं मैं फेल हो गया, कैसे घर पे बताऊं फेल हो गया? तेरा पिता भी एक किसान है, वो भी एक साल जब खेत में अनाज नहीं होता है ना, जब अनाज नहीं होता तो दूसरे साल वो उसकी बिजाई करना नहीं छोड़ते। तू कैसे बताएगा क्या हो गया? जब तक बहाने, जब तक खुद को बहाना दोगे ना, तब तक सफल नहीं हो पाओगे। ये वादा है, लोगों का काम है वो ताना मारेंगे, वो लोगों का वो काम है वो करेंगे। तेरा काम है मेहनत करना। तूने उसमें कमी छोड़ी है इसलिए लोग बोल रहे हैं। अगर तूने उसमें कमी नहीं छोड़ी होती ना, तो शायद आज लोग भी यही बोलते, तू सफल हो गया। हर बार कितनी बार दोगे खुद को, कितनी बार घर वालों को बोलोगे कि अगली बार होगा, अगली बार होगा, अगली बार होगा, कितनी बार? जब तक घर वाले तुम्हारे साथ है ना, तब तक तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस धरती पर कोई बना ही नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है। तुम्हारे माँ बाप का सपना है जिसको तुम्हें पूरा करना है। एक एसआई का पेपर पास नहीं होने से तुम इतने डिमोटिवेट हो गए कि किताबों को ही साइड में रख दिया। क्या है इसके बिना? एक छोटी सी विद्यार्थी का संघर्ष जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा मैं आपको, कि विद्यार्थी का जो जीवन संघर्ष है, एक प्रतियोगी छात्र का जो जीवन संघर्ष है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। प्रतियोगी छात्र का जीवन संघर्ष शुरू होता है 18 वर्ष की आयु से, और कुछ छात्र 21 वर्ष की आयु के आते आते डिफेंस एग्जामिनेशन में, मेडिकल में, आईआईटी में अपना हाथ आजमाते हैं, और कुछ छात्र इस तरफ मुंह कर जाते हैं, इस तरफ निकल जाते हैं। और असली जो संघर्ष का दौर है ना, वो यहां से शुरू होता है और कहां तक चलता है, 27 वर्ष तक यह संघर्ष का दौर चलता है। और इस संघर्ष के दौर में विद्यार्थी ने क्या 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 नहीं देखा होगा, और कौन विद्यार्थी है जो यहाँ पर सफल नहीं हुआ होगा? क्या वो नहीं है विद्यार्थी? क्या आप ही हो क्या
जो एक एग्जाम में आप सफल नहीं हुए और बुक को रख दिया, आप जैसे और भी तो होंगे जो सफल नहीं हुए, लेकिन वो फिर से तो कोशिश कर रहे हैं, फिर से उठ खड़े हुए। व्यक्ति जब अंत में आकर रुक जाता है ना, तो उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा सा पुश और किया, आप आगे। अरे अभी तो आप बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे हो, अभी कैसे रुक सकते हो तुम लोग, बताता हूं आपको। यहाँ पर विद्यार्थी तीन भागों में बंट जाता है। 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी तीन भागों में बंटता है। वो कैसे? ये तीन भागों में विद्यार्थी, मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 100 छात्र हैं। इनमें से 30 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर विफल हो गए डिफेंस एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर आते हैं, बहुत लोगों की राय लेते हैं। राय लेने के बाद कुछ बोलते हैं, वो तेरे तो बीएससी रेडी है, तू फलानी जगह जा, वो दिल्ली उड़ जा, कना पिज्जा जावे, कदी पिज्जा जावे। यहाँ करतो करता 30 छात्र यहाँ पर आते हैं, और वो 24 साल की उम्र तक यहाँ से 5 छात्र सेलेक्ट हो जाते हैं, 25 छात्र फिर से रुक जाते हैं, 25 छात्र फिर से 24 साल के बाद अपना आगे जीवन सर्वाइवल कैसे करें, वो विचार करते हुए फिर से पढ़ाई में जुट जाते हैं। लगभग 40 छात्र यहाँ पर आते हैं जो स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, साथ में बीएड कर रहे हैं, टीचर की तैयारियां करते हैं। इनमें से लगभग 10 छात्र ऐसे हैं जो सफल हो जाते हैं, 30 छात्र फिर यहीं पे रुक जाते हैं। मात्र और मात्र 10 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं, और इनमें से केवल 1% छात्र, ये वो छात्र हैं जिन्होंने सीएचएसएल की, सीजीएल की वो तैयारियां की थी, उनमें 1% छात्र सफल होता है, 9 छात्र फिर से यहीं पे रुक जाते हैं, 9% छात्र। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 छात्र कहाँ गए, 20 छात्रों ने तो यहीं से नॉकआउट कर दिया, यहीं से ऊपर हाथ खड़े कर दिए, हमसे तो नहीं होगा, वो कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई चेन्नई, कोई चंडीगढ़ चला गया, कोई दिल्ली चला गया, सर्वाइवल करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में चले गए। ये छात्र तो सेलेक्ट हो गए, इनकी तो बात ही छोड़ो। अब जो ये छात्र है ना, ये कितने छात्र बच गए, ये लगभग 64 छात्र बच गए, 64। ये जो 64 है ना, ये यहां तक आते आते पूरे पक चुके हैं, पूरा संघर्ष का दौर ये देख चुके हैं, और ये जो कारनामा कर सकते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये छात्र कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ परिवर्तन ला सकते हैं शायद जो कोई, ये हर एक एग्जाम का स्वाद चखा हुआ है, हर एक एग्जाम में विफल हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें से 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में फाइट हो जाते हैं, लेकिन ये डटे रहे, इन्होंने नॉकआउट नहीं किया, इन्होंने कभी हाथ खड़े नहीं किए, ये वो छात्र हैं। और यहाँ पर आकर जो छात्र सफल होते हैं ना, वो जीवन में कभी एक काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अपनी पाठशाला चूरू में गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, वो कॉन्स्टेबल ही है, शायद धर्मवीर जी जाखड़ नाम है उसका, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को। आंसू जी के ट्रिक, आज बीकानेर के अंदर उनका खुद का संस्थान है, क्या कुछ नहीं किया, डिस्पोजल उन्होंने बेचे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में उन्होंने काम किया, बहुत काम किए, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष जारी रखा। एटीएम में गार्ड का काम आंसू जी ने किया, लेकिन संघर्ष कभी नहीं छोड़ा, मेहनत निरंतर करते रहे, और उसके बाद वो सफल हुए और आज अपना खुद का यूट्यूब चैनल और अपनी खुद की संस्थान चल रही है। जीवन में संघर्ष को कभी छोटा मत समझ, लोगों का काम है, लोग कहते रहेंगे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, लेकिन तेरे माँ बाप जानते हैं, और मेहनत भी ऐसी करो कि लोग बोलें कि हाँ भाई हमें पता है इसने इतनी मेहनत करी थी। लोगों को दिखावे के लिए मत बोलो, अंदर घुसे रहो कि लोग सोचेंगे कि ये पढ़ रहा है, लोगों को सब पता है। और अगर यहां पर आने के बाद आप पीछे हटोगे ना, तो लोग जीवन भर बोलेंगे, और यहां पर आने के बाद एक एग्जाम में विफल हो गए तो क्या हुआ, और भी तो है, और साथी भी तो हैं जो कॉन्स्टेबल में नहीं हुए और आईएएस बने हैं, आपके सामने है। और जो ये 20 छात्र है ना जो निकल गए, इनमें से भी 1% विद्यार्थी फिर लौटता है, फिर मेहनत करता है और सेलेक्ट हो जाता है, और एग्जाम्पल वही बनते हैं, एग्जाम्पल वही बनते हैं। आपने भी देखा होगा अपने गाँव शहर कस्बे में, एक इन 20 विद्यार्थियों में से कोई अरब कंट्री में जाता है, कोई कहाँ जाता है, फिर वापस लौटता है, इस पढ़ाई की अहमियत समझता है, फिर वापस आकर इन अंदर इंक्लूड होता है, और एग्जाम्पल वही सेट करता है, घर वाले भी उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं कि वो वहां पर गया, फिर आया, फिर मेहनत करी और सेलेक्ट हो गया।
कभी भी इन छोटी छोटी हार को अपने जीवन के ऊपर इतना हावी मत होने दो कि मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, बस यही था सब कुछ। ये सब कुछ नहीं था। तू अपने टारगेट की ओर चल। सफलताएं असफलताएं जीवन में आती रहती हैं, तो ये तो एकमात्र रिजल्ट आया है। जो सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए हैं, आगे के लिए जो संघर्ष करना बंद कर देगा ना, जीवन में चुनौतियां कभी आएंगी नहीं उनके लिए। और जीवन में जब चुनौतियां आना बंद हो जाए ना, तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। जब आप छोटी सी शुरुआत करते हो ना, चार लोग आपको ताने भी मारते हैं, लेकिन जिस दिन आप उस चीज में सफल हो जाओगे ना, वही लोग आकर बोलेंगे कि सबसे पहले हमने ही देखा था, हमने तो पहले कहा। तो कभी भी किसी छोटी सी हार की वजह से अपने पूरे जीवन का आप डिसीजन नहीं कर सकते कि ये हो गया तो अब होगा ही नहीं। लोग कहेंगे नहीं होगा, लेकिन तुझे तो पता है, तेरे माँ बाप को पता है कि तू कर सकता है, तो करना है। आगे बहुत एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, अभी वीडियो का एग्जाम आएगा, उसके लिए आप संघर्ष कर सकते हो। अपने संघर्ष को कभी छोटा मत समझो और खुद के साथ 100% रहो। अगर पढ़ के उठ रहे हो और तेरा मन ये कह रहा है ना कि हाँ तूने आज पढ़ाई की थी, तो कोई कुछ भी कहे, तूने पढ़ाई की थी। बस तैयारी ऐसी रखना कि तुम्हारे माँ बाप ये कहते रहे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। कभी उनको धोखे में मत रखना, कभी खुद को धोखे में मत रखना। मेहनत करते रहना। इब्राहिम लिंकन कितना संघर्ष देखा होगा यार इसने अपने जीवन, कितना हद से ज्यादा बार हारा है, लेकिन एग्जाम्पल तो इसी ने सेट किया ना। एग्जाम्पल तो लोग इसी का देते हैं ना। जब जन्म हुआ, माँ गुजर गई, उसके बाद कितनी हार का सामना किया, लेकिन फिर भी ये खड़ा रहा, ये डटा रहा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। संघर्ष को कभी छोटा मत समझो, संघर्ष करते रहो। अभी आगे आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम आएगी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम पढ़िए, वनपाल की पढ़िए, वन रक्षक की पढ़िए, एसआई की फिर से आएगी, आरएएस की 2022 में फिर से आएगी वैकेंसी। क्यों नहीं कर रहे हो आप तैयारी? क्यों इस एक एग्जाम में आप असफल हो गए तो खुद को कमजोर समझ रहे हो? तू है नहीं कमजोर, तू समझ रहा है खुद को कमजोर। जब आप आगे चलोगे ना, रास्ता अपने आप बनेगा। आप उठ ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे रास्ता बनेगा? अपने आप तो नहीं बनेगा ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको धोखे में मत रखो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाना। चुनौतियां जिस दिन आनी बंद हो गई ना, उस दिन जीवन विफल है तुम्हारा। चुनौतियां हर वक्त रहनी चाहिए। लोग भी बोलेंगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे मन में है ना, मैं करके दिखाऊंगा, तो तू करके दिखाएगा। कभी ये मत, मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिली, मेरे मेरिट ऊपर चली गई। मेरिट ऊपर नहीं, तेरे नंबर कम है और उस मेरिट को क्रॉस करना है अगली बार। मेहनत करते रहो, कभी खुद को छोटा मत समझो, और जो मेहनत करेगा ना, वो एक दिन आगे जरूर बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। आप भी अपने मन में सोच के देखना कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तो हाँ ये सेलेक्ट हुए उन्होंने। एक तो बंदा आपके नजर में होगा जो आपकी नजर में सेलेक्ट हुआ है, क्या उसने मेहनत नहीं की थी? क्या यही तुक्के लग गए? मेहनत की थी, और जो मेहनत करेगा ना, सफल जरूर होगा। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अगर अच्छा लगा है तो हमारा ये छोटा सा परिवार है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।